गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज हम लोग दो पार्ट एट लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन वेस्को की अपेक्षा होशियार बच्चियाँ, ठीक है। ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे थे इसी कहानी से संबंधित आगे जो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे आज हम लोग जानेंगे वयस्क की अपेक्षा होशियार बच्चिया, जिसे लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। इसमें हम लोगों ने यहाँ पैराग्राफ एक पैराग्राफ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। वॉक केयरफुली तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था। इसके बाद देखेंगे यहाँ पैराग्राफ जो दिया हुआ है इसके बारे में हम लोगों को आज जानना है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टोरी। या आगे वह औकल्या और मलासा की आगे कहानी क्या होती है। तो कहते हैं कि सी हैड हार्डली सेड दिस व्हेन मलासा प्लम्प्ड डाउन हर फुट सो दैट द वाटर स्प्लैश्ड राइट ऑन टू औकल्यास फ्रॉक। आगे क्या हुआ, आगे बताते हैं कि वेन जब कहते हैं कि वह मुश्किल से इतना बोल पाई थी कि जब मलासा ने अपना पैर जोर से मारा जिससे पानी उछलकर सीधे औकल्या के फ्रॉक पर जा पड़ा। ठीक है, औकल्या के फ्रॉक पर जा पड़ा। आगे क्या हुआ, द फ्रॉक वाज स्प्लैश्ड एंड सो वर औकल्यास आईज एंड नोज। जब मलासा ने अपना पैर जोर से मारा जिससे पानी उछलकर सीधे औकल्या के फ्रॉक पर पड़ा, तब आगे क्या हुआ कि फ्रॉक पर छींट पड़ गया और वैसे ही औकल्या की आंखें और नाक भी भर गए। ठीक है, आगे कहते हैं कि वेन सी सॉ द स्टेंस ऑन हर फ्रॉक सी वॉज एंग्री एंड रेन आफ्टर मलासा टू स्ट्रिक हर। कहते हैं कि जब उसने अपने फ्रॉक पर दाग देखा वह गुस्सा हो गई और मलासा को मारने दौड़ी। आगे मलासा कहते हैं कि मलासा जो है डर गई एंड सीइंग दैट सी हैड गॉट हरसेल्फ इनटू ट्रबल्ड। ठीक है, और यह देखते हुए कि वह संकट में पड़ गई है, वह मलासा डर गई यह देखते हुए कि वह संकट में पड़ गई है, सी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पडल, वह गड्ढे में से तेजी से भागी एंड प्रिपेयर्ड टू रन होम, और घर जाने को तैयार हो गई। जस्ट देन औकल्यास मदर हैपेंड टू बी पासिंग। आए कहते हैं कि ठीक तभी औकल्या की माँ गुजर रही थी, ठीक है, उसी रास्ते से होकर जा रही थी एंड सीइंग दैट हर डॉटर्स स्कर्ट वाज स्प्लैश्ड, और यह देखते हुए कि उसकी बेटी का घंघरा छीटा युक्त है, पूरा उस पर कीचड़ पड़ा हुआ है, छीटा पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड हर स्लिप्स डर्टी
सी सेड, और उसका आस्तीना गंदा हो गया है, कपड़ा गंदा हो गया है, उसने कहा, उसने कहा, यू नॉटी डर्टी गर्ल, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ए बदमाश गंदी लड़की, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, मलासा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल, मलासा ने यह जानबूझकर किया, उस लड़की ने उत्तर दिया, उसने मलासा का नाम लिया कि यह मलासा का किया धरा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अपने माँ से वह कहती है। एट दिस अकल्याज मदर सीज्ड मलासा, ठीक है, इस पर अकल्या की माँ ने मलासा को पकड़ लिया, आगे क्या हुआ, एंड स्ट्रक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, उसके बाद से और उसकी गर्दन के पीछे मार दिया, ठीक है ना। मलासा बिगेन टू हॉल सो दैट सी कुड बी हियर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, जैसे ही उसने मलासा के गर्दन पर उसने तमाचा मारा, ठीक है ना, मारा, मलासा चिल्लाने लगी ताकि नीचे गली में सुनाई पड़े, ठीक है। हर मदर केम आउट, उसी बीच उसकी माँ, ठीक है ना, उसकी माँ बाहर आ गई, जैसे ही चिल्लाए वैसे ही उसकी माँ बाहर आ गई। फिर आगे क्या हुआ, इसके बाद से जैसे ही उसकी माँ आई वहां पे, तो फिर आगे क्या हुआ, What are you beating my girl for, said she, ठीक है ना। वो आते ही उसके बाद से वह कहती है कि तुम मेरी लड़की को क्यों मार रही हो, वो पूछती है, ठीक है। And began scolding her neighborhood, और उसने अपने पड़ोसियों को गाली देने लगी, जिससे झगड़ा हुआ था, जिसने मारा था उसे गाली देने लगी। One word led to another and they had an angry quarrel, ठीक है, कह रहा है कि एक के बाद एक शब्दों की बौछार होने लगी और वे गुस्सैल झगड़ा करने लगी थी, गुस्सैले में दोनों महिलाएं आपस में झगड़ा शुरू कर दी थी। तब क्या हुआ कि द मेन केम आउट एंड ए क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, मर्द लोग जो हैं बाहर आ गए और गली में भीड़ जुट गई। एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग, उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि हर कोई चिल्ला रहा था और कोई सुनने वाला नहीं था। दे ऑल वेंट टू क्वारलिंग टिल वन गेव अनोदर ए पुश एंड ए अफेयर्स हैड एवरी नियरली कम टू ब्लो व्हेन अकल्याज ओल्ड ग्रैंड मदर स्टेपिंग इन अमोंग देम ट्राई टू काम देम, कहते हैं कि वे सभी के सभी आपस में झगड़ रहे थे और एक जो है दूसरे को धक्का धुकी देना शुरू कर दिए थे, एक दूसरे को धक्का धुकी देना शुरू कर दिए थे। एंड ए अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लो, ठीक है, सब जो है एक दूसरे के पास धक्का धुकी में चले आए थे और सब एक दूसरे से झगड़ा शुरू कर दिए थे, जिससे जो है आगे क्या हुआ। When Akalya's old grandmother, जब अकल्या की बूढ़ी दादी माँ आई, ठीक है ना, stepping in among them, उन सभी के बीचों में आई और वह try to calm them, और उन्हें वह शांत कराने की प्रयास कर रही थी कि आप लोग झगड़ा ना करें, ठीक है, सभी को वह शांत करने का प्रयास कर रही थी। तो ये रहा आपका, इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में फिर इसके बारे में जानेंगे कि आगे फिर कहानी में क्या हुआ, दादी उसे उन लोगों को शांत करा पाई या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।